योगी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। 7 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई शुरू हो गई है। 14 और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। ये कहना है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर BJP ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इसी के मद्देनजर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे और मेडिकल कॉलेज के MBBS के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक लंबी छलांग लगा सके, आज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में MBBS के 100 छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हुई है और आप याद करना, ये मेडिकल कॉलेज के संचालन के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनपद बहराइच में आमूलचूल परिवर्तन होगा। वहीं CM ने बलहा विधानसभा के मिहिपुरवा में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले परिवारों को स्वीकृति पत्र चेक के साथ प्रधानमंत्री आवास की चाबियां भी सौंपी। कैंप लगा करके योजनाओं का लाभ दीजिए, राशन कार्ड के लिए, पेंशन के लिए, आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड वितरण करने के लिए, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं घर घर में जाकर के, चाहे वह पेंशन की योजना का हो या किसी भी योजना का लाभ हो, जहां हमें कैंप लगा करके इस योजना का लाभ देना होगा, वही साथ ही साथ विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें मानक की गुणवत्ता का ध्यान रखना, जो योजनाएं प्रारंभ हो रही हैं, योजना के प्रारंभ होते ही समय हम ये तय करें कि योजना कब पूरी हो जाएगी, योजना को स्वरूप में जोड़ने का कार्य भी हम इसके साथ करेंगे। जाहिर सी बात है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर BJP तैयारी कर रही है और कहीं न कहीं CM के इस दौरे से BJP को फायदा मिल सकता है। R9 TV के लिए बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।